हेलो गाइस, आज हम आपको लेके चलेंगे जर्मनी, यूएसए, इटली, स्विट्ज़रलैंड और साउथ अमेरिका के वर्चुअल टूर पे। बहुत बढ़िया शानदार वीडियो होने वाला है। ये हाइलाइट्स बहुत कम हैं, इसके अलावा बहुत कुछ है उसमें देखने के लिए। वीडियो पहले मैं छोटी डालना चाह रहा था कि एक एक करके डालूँ, लेकिन उस वीडियो का फिर मज़ा ख़राब हो जाता, तो इसलिए आप इसको वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है एंड बढ़िया बढ़िया सीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एयरपोर्ट कैसे एयरप्लेन टेक ऑफ करता है, बहुत बढ़िया होने वाला है। बन रही है हमारे साथ में, आपको बिल्कुल भी एक मिनट के लिए बोर नहीं होंगे। बहुत बढ़िया और एक साइंटिफिक बिल्कुल अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पे। आपको बिल्कुल जो यूरोप और यूएसए का है इंफ्रास्ट्रक्चर है, या वहाँ पे एक बीच बीच हैं, फेयर्स हैं, वहाँ पे क्रूज़ हैं, और वहाँ पे स्नो में स्विट्ज़रलैंड कैसे दिखता है आपके सामने। और ये तो आपको मैंने बस छोटी छोटी एडिट करके हाईलाइट डाली, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही शानदार और अच्छा लगेगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइटी ब्लॉगर। तो आज हम जाएंगे एक मिनिएचर वंडरलैंड, इसमें कुछ कुछ मॉडल्स वगैरह बनाए हुए हैं, कुछ साइंटिफिक चीज़ें हैं। तो ये वैसे तो पहले बना चुका हूँ मैं, एन एफ स्क्रू सिटी है। तो अब देखते हैं उसमें क्या है। अच्छा, सब यहाँ पे ट्रेड सेंटर है सारा, पीछे मेरे जो है पूरा ट्रेड सेंटर है। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैंने वो इंटरनेट पे देखा था उसके बारे में, तो बहुत अच्छा था उसमें, अच्छे अच्छे सीनरीज, बढ़िया और भी कुछ अच्छा उसके अंदर था कुछ। अभी पहले आपको नहीं बताऊंगा, वीडियो देखना पूरा, तो देखते हैं। चलिए आइए मेरे साथ। ये यहाँ पे जो आपको राइट साइड या लेफ्ट साइड दिख रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे यहाँ पे जो ट्रेड सेंटर है इनका, ये यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ही लोग एंजॉय करते हुए। ये स्कूटर बहुत चलते हैं यहाँ पे, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मेरा वेट ज़्यादा है तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ये देखिए बिल्कुल साथ के साथ आपको दिख रहा होगा, सारे के सारे जो इनका वर्ल्ड ट्रेड होता है, मोस्टली हैमबर्ग का जो भी है यहाँ से होता है। और अब ये आपको बिल्कुल सामने की तरफ दिख रहा है जो वंडरलैंड है, और ये ब्रिज अपना इस राइट में आपको हैमबर्ग, तो मैं पिछले दो वीडियो में दिखाई चुका हूँ। ये रहता था यहाँ पे, इसके लिए बहुत मैंने वो किया, ट्राई किया कि मैं जाऊँ, लेकिन आए वक्त पे फिर मेरे को मैं सोचा कि चला ही जाता हूँ। बहुत बढ़िया लोगों ने बताया मेरे को इसके लिए कि एक नंबर है, तो फिर हम एक नंबर है तो चलो एंट्री करते हैं। ये यहाँ से आप राइट साइड में है, राइट साइड में यहाँ पे कासे है, यहाँ से हमें टिकट बुक करनी पड़ेगी। टिकट बुक के लिए रश था वहाँ पे, लेकिन अब जैसे जैसे समर बढ़ता जाएगा यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। आप ये यहाँ पे पूरा लिखा हुआ आप क्या क्या दे है इसके अंदर, और ये फ्लावर्स बहुत बढ़िया। ये देखिए आपको कार्स के मॉडल बहुत हैं यहाँ पे, जितनी भी रियल कार्स हैं ना, सुपर कार्स हैं, स्पोर्ट्स कार हैं, उनके सबके मॉडल हैं यहाँ पे। ये देखिए 9.90 यूरो, ये एस्टन मार्टिन, और पूरी डिटेल के साथ है यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी है। और ये देखिए गैलेक्सीज, बड़ा मनमोहक दृश्य, बहुत बढ़िया। और अभी थोड़ा सा आगे की तरफ निकले हम, यहाँ पे आपको कुछ परचेजिंग वगैरह करनी हो, यहाँ की आपको आपको ट्रिप अपनी यादगार बनानी है, उसके लिए लोग यहाँ पे हैं। और अब देखिए यहाँ पे बियर का बहुत शौक है, तो उसके वैसे ही बनाए हुए हैं। अब ये आ गया इनका एक म्यूज़िक का अलग ही इनका क्रेज़ है यहाँ पे,
जिस तरह बीच के साथ कुछ भी है लाइटिंग, वो अलग अलग तरीके का, यहाँ पर सब कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। आप घर के अंदर क्या बाहर ऑफिस का कहीं भी इनको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना शानदार, वाटर के साथ पानी अपना झूम रहा है, पानी ही झूम रहा है तो बंदा क्या करेगा। ये देखिए अलग से अलग चीज़ें यहाँ पे, ये कुछ उन्होंने यहाँ पे अलग से उसके अंदर फोटो डाल के बनाया हुआ है। ये यहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह हैं अगर किसी को चाहिए हो तो। और यहाँ पे इनको, इसको जो वंडरलैंड है इसको बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। ये सब का सब वहाँ पे पूरा एक पोर्शन इनका अवार्ड से ही भरा हुआ है। तो आते हैं लोग यहाँ पे, इंटरनेशनली लोग बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। तो इसमें तो कोई दोराई है नहीं कि कोई चीज़ अच्छी नहीं है, बहुत शानदार चीज़ है। ये देखिए अवार्ड ही अवार्ड है बहुत सारे, एक नहीं है बहुत सारे अवार्ड हैं। और हम यूरोप की बात करें तो यहाँ का सबसे फेवरेट गेम फुटबॉल है, और ये फुटबॉल स्टेडियम है। देखिए कैसे इन्होंने अच्छे से तैयार करके उसमें एन क्राउड बिठा के बिल्कुल अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हुई हैं। पूरा का पूरा आपको लगेगा कि यहाँ बिल्कुल ये वर्चुअल रियलिटी है, बिल्कुल कि बिल्कुल आपको, आप फील नहीं कर सकते कि आप कहीं बाहर हैं, आपको लगेगा आप वहीं हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे इतना सुंदर नज़ारा है, पूरा पहाड़ काट के टनल से सब कुछ, गाड़ियाँ, लाइटिंग, रेड लाइट्स, गाड़ी की मूवमेंट, आप देखेंगे एक एक चीज़। अब ये ब्रिज हो गया, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे यूरोप में। तो एक एक चीज़ को अच्छे से, बिल्कुल ट्रेन निकलना, कनेक्टिविटी, और देखिए ये यहाँ की आइस ट्रेन होती है यूरोप की, बड़ा एक एक चीज़ इन्होंने बिल्कुल सेटल करके बनाया हुआ है। जिस तरह से लोग फोर्ट वगैरह घूमने आते हैं, बिल्कुल है अच्छा, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे बहुत देखने लायक। आप एक बार आएँ तो एक बार वंडरलैंड ज़रूर आप जाएँ। यहाँ पे देखिए ये फ्लावर्स वगैरह की, यहाँ पे जो बेसिकली काम है यूरोप में मोस्टली, मेरे को जो लगा वो ज़्यादातर फ्रूट और फ्लावर का काम ज़्यादा है यहाँ पे। पार्किंग नहीं है यहाँ पे, रोड की साइड में लगाई हुई है। तो देखिए पूरा पहाड़ वो करके, पूरा का पूरा पहाड़ों में घर हैं, ऐसे हैं सेम बनाए हुए बिल्कुल। एयर क्वालिटी बहुत शानदार होती है यहाँ पे, और इसकी वजह से ही लोग यूरोप घूमने आते हैं। पोल्यूशन बहुत कम है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। और तभी कहते हैं ना कि आप कोई बंदा बीमार हो जाए तो कहीं इसको, इसका हवा पानी चेंज करो। इट मीन्स कि आप कहीं सिटी वगैरह में रह रहे हैं तो उसकी बजाय आप कहीं गांव में जाएं। आजकल अपने यहाँ तो गांव में भी एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, कि वो पराली जलाना वगैरह, वो कई चीज़ें एक साथ काउंट हो जाती हैं। यहाँ का AQI बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार। देखिए कैसे ट्रेन वगैरह जाके यहाँ पे ऊपर हाइट पे कैसे ऐसे घर हैं यहाँ पे, आपको फील करेगा कि जिस तरह हेलीकॉप्टर से शूट किया हुआ है, या क्योंकि ड्रोन तो एक रेंज होती है ड्रोन की, ये हेलीकॉप्टर शॉट आप इसको बोल सकते हैं। एक एक चीज़ है बिल्कुल बारीकी से हमने तैयार की है, और ज़्यादा नहीं तो मैं बोलूँगा कम से कम 10-12 घंटे की वीडियो को काट छाँट के हमने 27 से 29 मिनट पे लेके आए हैं। और फिर भी इसमें बहुत की चीज़ें रह गई हैं कि हम ये डाल सकते हैं, वो डाल सकते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो है, लोग थोड़ा देखते हुए परेशान हो जाते हैं या कुछ भी करते हैं, देखते नहीं हैं। लेकिन हम इसको रिकमेंड करते हैं कि आप एक बार वीडियो पूरी देखा करें, वो हमारे लिए भी अच्छा है और आप लोग अच्छी चीज़ देख पाएंगे। ये देखिए इटली, इनका जो सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वाटर है, और भी चीज़ें हैं। देखिए अंदर पार्किंग है, एक एक चीज़ को अगर कोई भी चीज़ जगह है उसको यूटिलाइज करते हैं। ये अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए जा रहा है। और भी है यहाँ पे, देखिए इनका जो है सिस्टम, इनकी बिल्डिंग्स देखिए आप, इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखिए। अब हमारे यहाँ पे बनना शुरू हुआ है 2014 के बाद, चीज़ें बदली हैं, बट कब बदलते बदलते बहुत टाइम लगेगा। अभी तो यहाँ पे एडवांस चीज़ें हैं, अच्छा बना हुआ है एक एक चीज़। और ये देखिए ऊपर से
ये जो सात रिवर है, रोड हैं, इसी आगे साइड से तो अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया। टनल्स वगैरह हैं, अच्छा इन्होंने दिखाया हुआ है यहाँ पे कि हाँ ये चीज़ें हैं देखने लायक। ट्रेन निकल रही है कहीं से कुछ निकल रहा। यूरोप में कनेक्टिविटी ही सबसे मेन है यहाँ पे। एक तो पूरे यूरोप में जो शेंगेन एरिया, ईयू का एरिया, उसमें इंटरनल जो ट्रैफिक है उसमें कोई इतना बॉर्डर एरिया का काउंटर नहीं होता। आप ट्रेन में बैठे तो पहुँच सकते हैं, बस ये कि कहीं ना कहीं आपको इमिग्रेशन वाले से अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो अलग बात है, वरना आप ट्रेन और बस से ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया शानदार व्यू देखिए आपके सामने। और जो आप देखते हैं तो उसको मैसेज किया करें, कमेंट किया करें, अपना लाइक और शेयर तो चलो करते ही है। ये आपका देखिए जो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल हेरिटेज में भी है ये इटली का, बहुत बढ़िया शानदार। यूरोप में मैंने जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा देखा है, अगर इस पर हमारी गवर्नमेंट भी काम करे तो ये गेम चेंजर है लॉजिस्टिक्स के लिए, क्योंकि यहाँ छोटे बड़े फ्लीट जिस तरह से होते हैं ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था, तो उससे कनेक्टिविटी और बढ़ जाती है। जिस तरह एक साइड से ट्रेन चल रही है, एक बाय सरफेस रोड जा रहा है, और साथ के साथ कहीं ना कहीं से अगर एक वाटर रोड और बन जाए ना तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं और कॉस्ट बचेगी अलग से। बहुत बढ़िया, इस पर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ करे। ये देखिए इन्होंने अपनी कनेक्टिविटी के लिए बहुत शानदार चीज़ें बनाई हुई हैं, और मतलब ये है कि आप यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो एक्सीडेंट या कोई हिट हो जाए तो आपको लग सकता है टाइम, वरना आपको कनेक्टिविटी अच्छी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप पहुँच सकते हैं आराम से विद इन टाइम जो आपका है। बहुत बढ़िया, मेरे को अच्छा लगता है। मैं ग्रीनरी थोड़ी सी अभी तक आपको सिटी दिखाया, अब सिटी से बाहर थोड़ा निकलते हैं, थोड़ा आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे ग्रीनरी और अलग से कैसल जिस तरह हैं, कासल हैं। तो देखिए क्या सुंदर नज़ारा है, और ये देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया शानदार। ये कुछ मैंने कैप्शंस लिए हुए थे, अभी तो अभी ये इटली का नाइट का थोड़ा सा रहेगा ऊपर से, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। लाइटिंग कोई भी चीज़ है, सुंदरता है ठीक है, अगर वो लाइटिंग के साथ है तो उसका अलग सा ही कुछ नज़ारा बन जाता है। अब देखिए एक एक चीज़ आपको दिखेगी बारीकी से, बिल्कुल बहुत बढ़िया शानदार। और देखिए अब वो दिन में था और अब थोड़ा नाइट का है, थोड़ा देख लेते हैं, पता नहीं आपको क्या चीज़ पसंद आ जाए। तो मेरे को यही था कि मेरे को यहाँ का ट्रेन है, रेलवे स्टेशन, बहुत मनमोहक व्यू है। और निकली अब ट्रेन यहाँ से, मेट्रो है, मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत शानदार है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है अभी स्नोफॉल हो गया है, बट ये नाइट सीजन है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा वो ब्लू शेड है, ब्लू शेड और वाइट ऑफ वाइट दिख रहा है, तो उसमें बहुत शानदार है। अभी और भी लाइटिंग चेंज होएगी थोड़ी सी, देखिए ऊपर से ऊपर की साइड ब्रिज, देखिए ब्रिज के साथ से जो लाइटिंग हो रही, देखिए क्या क्या बढ़िया बनाया इन्होंने, एक एक चीज़ को बिल्कुल सोच समझ के, बहुत ही टेक्निकल चीज़ें बनाई हैं इन्होंने, बहुत शानदार। अब थोड़ा सा बाहर की तरफ, मैं बताया था जैसे कि बाहर की तरफ चलते हैं, ये देखिए ये मालगाड़ी बहुत बढ़िया। वादियाँ तो इनसे अच्छी हैं हमारे यहाँ पे, बट जो ये रेलवे नेटवर्क है ना उसके साथ साथ इतना वो मैंने देखा नहीं अपने यहाँ पे। थोड़ा सा कनेक्टिविटी में हम थोड़ा सा आए पीछे अभी, क्योंकि अभी बनना शुरू हुआ है रेलवे ट्रैक्स, वरना जो 1947 से पहले का था वो जो था
वही चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ है। अभी वंदे भारत ट्रेन आई है, दो चार चीज़ें हो हुई है। आई थिंक ये कोई अपना कोई तूफान या कुछ सुनामी टाइप आया होगा यहाँ पे, जो कोई डिजास्टर दिख रहा था। तो अभी यहाँ से हम मूव करने के लिए दूसरी साइड के लिए निकल रहे थे। ये देखिए यहाँ पे कनेक्टिविटी तो बार बार आपको बोल ही रहा हूँ, ये इलेक्ट्रो है शायद, बहुत शानदार। आपको लगेगा ना कि ये वर्चुअल रियलिटी, आपको एकदम से लगेगा कि बिल्कुल एक नंबर चीज चल रही। साथ ही साथ अब हम यूएसए की तरफ आ गए शायद, मेरे को कंफर्म नहीं है बट हाँ यूएसए है शायद ये। तो यहाँ के बीचेस देखिए आप, मेरे को अपने यहाँ पे जो मैंने बीचेस देखे हैं तो वहाँ पे जो वाटर है वो थोड़ा सा ऐसा रहता, मटमैला सा रहता, बट यहाँ पे ब्लू वाटर है। मैंने सब जगह देखा यहाँ पे, इसका होगा कुछ ना कुछ रीज़न, लेकिन मेरे को पता है नहीं, आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे डॉल्फिन आपको दिख रही होंगे नीचे, डॉल्फिन चल साथ के साथ। और ये आपको कनेक्टिविटी तो बार बार आपको बोल ही रहा हूँ, ये देखिए देखने में क्या सुंदर नज़ारा चल रहा है, ये देखिए। और ये एक एक चीज़ को बनाने के लिए कितनी बारीकी से उन्होंने काम किया है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, बिल्कुल एक एक चीज़ को उन्होंने काट छाट के बनाया हुआ है कि एक एक चीज़ यहाँ पे रियल, बिल्कुल रियल की तरह लगे। ये देखिए किस तरह से, अगर माइंस में काम करते हैं, ऊपर पहाड़ों में काम करते हैं, तो उसके लिए कैसे उन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है ऊपर तक जाने के लिए, सामान लेके जाने के लिए। और ये वहाँ पे ऐसे इन पे जो प्लांट्स, हाइड्रो प्लांट्स होते हैं जो पहाड़ों के अंदर होते हैं, वहाँ से कैसे सामान से ले जाया जा सकता, मालगाड़ियों में कैसे लेके आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही इंटेलिजेंसी के साथ इन्होंने अपना ये जो वंडरलैंड तैयार किया है, बहुत। आप इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप कुछ भी चीज़ ऐसे कर देंगे, इसमें ये चीज़ नहीं है। हर एक चीज़ के साथ वहाँ पे बिल्कुल कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है क्वालिटी के साथ। एक मैं हम देखिए जिस तरह से डिज़ास्टर दिखाया हुआ सी साइड पे सुनामी वगैरह के लिए, तो ये बिल्कुल ही आपको तारे वारे सब लूज़ हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए जो घर वर सारे वो हो गए, थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट उन्होंने पूरा दिखाया हुआ है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी। तो चीज़ें बहुत हैं, ये जिस तरह रूरल एरिया दिखा दिए उन्होंने कि जिस तरह से फॉरेस्ट एरिया है, फैक्ट्रीज़ हैं, तो अगर ये चीज़ें हैं तो वो साथ में वुडन का भी सब कुछ उन्होंने दिखाया कि फॉरेस्ट में जिस तरह से कटाई वगैरह हो रही है, मतलब बिल्कुल एक एक चीज़ को उन्होंने पहले उन्होंने जांचा परखा, फिर उन्होंने इसको फाइनल किया होगा। बहुत बढ़िया, देखिए जिस तरह से हम अपना गंगोत्री साइड जाते हैं, ऐसे पुल हमें वहाँ देखने को मिलते रोड तो, लेकिन वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है, फिर वो मैं कह रहा हूँ ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत रेयर है। और वहाँ पे ऐसा तो हम देख नहीं सकते, अब जिस तरह दोबारा से लाइट ऑफ हुई है, अब आपको और देखो कितना शानदार देखने को मिलेगा। देखिए ऊपर से आपको दिख रहा है पुल है, पुल के साथ में नीचे फिर गाड़ियाँ खड़ी हुई, गाड़ियों की लाइटें एन बढ़िया से ऑन करके इन्होंने पूरा इसको दिखाया कि आप ऐसा कर, अपने यहाँ भी होना चाहिए वैसे तो। जैसे कि हमारे यहाँ पे इतने इंडिया में इतने स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट का साथ में बना के मिलके अगर एक ऐसा म्यूजियम सा तैयार हो और लोग दूर से देखने आए, अपने यहाँ तो ट्रेडिशनली इतनी चीज़ें हैं कि लोग ऐसे क्रेजी है अपने यहाँ के लिए। ये यहाँ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और इसके ऊपर देखिए आप को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हेलीपैड वगैरह तो चलो आम बात होगी आजकल, स्टेडियम स्टूडियम सब उसके साथ ही हैं। तो अच्छी चीज़ है, देखो अच्छी चीज़ है, अगर टेक्नोलॉजी फास्ट है तो उसको अप्रिशिएट करने में कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से, तो अप्रिशिएट करो। अगर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते तो सबसे बड़ी बात है, वरना अगर किसी चीज़ को देख के अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही बोलना पड़ेगा। देखिए आप इनका
हर एक कंट्री का थोड़ा सा डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है यूरोप में, बट जो कनेक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट सेम ही है इनकी। वही पहाड़ हैं, पहाड़ों से काट पीट के रास्ते बनाए हुए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखने में भी बड़ा शानदार लगता है। हाँ भाई यार, कुछ इन्होंने कर रखा है, अच्छा बना रखा है। देखिए ऊपर रिहाइश, पहाड़ के ऊपर रहना, उसके ऊपर फिर ये इनका पार्किंग एरिया आ गया, जो आपको नाइट विजन दिखाया था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का, उसका ये पार्किंग एरिया कितना शानदार है। और ये देखिए इनका पूरा ये एयरपोर्ट के साथ ही है, जिस तरह अपने यहाँ पर एयरो सिटी वगैरह होती है। ये एनर्जी के लिए कुछ है शायद, जो ट्रेन थी। और ये बहुत शानदार, यहाँ पे एक चीज़ आपको जिस तरह से उन्होंने बनाई है ना, वो जिस तरह वो मूव करती है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियलिटी है कोई, इसीलिए उन्होंने बोला कि वर्चुअल रियलिटी। अब ये यहाँ पे अपना एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में भी इन्होंने एक चीज़ को अच्छे से, जो इन्होंने शायद वो लिया होगा उनसे एयरलाइन वगैरह से कि हम आपका ऐसे से यूज़ करेंगे। इन्होंने पूरा नाम वही नाम है जिस तरह से टर्किश एयरलाइन हो गया, या एयर फ्रांस हो गया, लुफ्तांसा हो गया, और भी बहुत सारी एयरलाइंस के वहाँ पे जहाज़ खड़े हैं। अब देखिए आपको दिखेगा लुफ्तांसा का जहाज़ जो है एयरप्लेन, वो अभी मोमेंट पे है। तो इन्होंने पूरा का पूरा उसको देखिए मार्किंग करके दिया हुआ है, उसका ये वे है, ये पाथ है, बिल्कुल बिल्कुल एक एक चीज़ वहाँ पे। अब ये जहाज़ टेक ऑफ करेगा शायद, यस। देखिए आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे, इन्होंने एक एक चीज़ कैसे इन्होंने बनाई है। एक जहाज़ उड़ रहा है तो दिख रहा है, तो पूरी चीज़ें मैंने भी सोचा कैप्चर करके दिखाएंगे। अब ये देख रहे अपना टेक ऑफ के लिए जा रहा है, तो मैं सरप्राइज था और एक्साइटेड था इसको देखने के लिए, लेकिन सरप्राइज हुआ कि कोई भी चीज़ इतनी एक्यूरेसी से उन्होंने बिल्कुल सेट करके रखी हुई है। ये लुफ्तांसा टर्किश एयरलाइन वो आगे है, तो एक एक चीज़ को इन्होंने कैसे तैयार करके बिल्कुल बढ़िया तरीके से वो भी। और कोई भी ऐसा कुछ चीज़ नहीं था कि वहाँ पे आपको लगे कि ये क्या है क्या नहीं है, आपको खुद देख के पता लग जाएगी आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं। गाड़ियाँ देखिए, कार्गो मूवमेंट है, ये कुछ भी है। ये देखिए आप, ये प्लेन लैंडिंग देख लीजिए आप, लैंड कर रहा है प्लेन प्रॉपर लैंडिंग के साथ वो अपना एंड बढ़िया तरीके से। सारी एयरलाइंस हैं, ये शायद डोमेस्टिक फ्लाइट्स होंगी। अब ये देखिए, अब ये अपना चला थाई एयरलाइंस। देखिए ये जो आपको ब्लू रेड डॉट्स हैं वो इन पे खड़ा है, वो ग्रीन है, सारा ग्रीन हो जाएगा तो उसको मिलेगा कि हाँ अब ये फ्लाई कर सकते। पूरा बिल्कुल एक सर्विलेंस पे वो सारा चेकअप करके पूरा का पूरा रूटीन के साथ, वो जैसे वहाँ पे रियल एयरपोर्ट पे होता है, यहाँ पे वर्चुअल एयरपोर्ट बना के एंड पूरा का पूरा यहाँ से देखिए वो उसको स्पेस मिला। तो वो टर्किश का आगे हो गया, लुफ्तांसा का आगे हो गया, अभी थाइस का क्या, थाइस ने अपना टेकअफ करना है। पूरा साउंड क्या, पूरा वो क्या, पूरा का पूरा ऐसा लगेगा कि कहाँ आप वहीं पर हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। तो देखिए अभी वो उड़ेगा, बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है इन्होंने, बहुत बढ़िया। ये हमारा यहाँ पे हमने पहले भी दिखाया था, जर्मनी, यूएसए, इटालिया, स्विट्जरलैंड और साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका की बिल्डिंग तो और भी ख़तरनाक है यहाँ पे। तो अभी आप देख ही रहे हैं, वहाँ के लोग थोड़ा फन करते हैं, यूरोप में लोग नहीं करते फन इतना। वो यूरोप में तो काम किया, ये मैंने थोड़ा सा अलग से कुछ बना के देख रहा था, मैं वो भी डाल दिया। ये एक नया मॉडल है अभी कुछ किसी कंट्री का तैयार हो रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल ये है कि यहाँ पे तो आप चीज़ें आपको अच्छी अच्छी देखने को मिलेंगी, ये बहुत शानदार। ये कुछ मैंने फ़ोटोज़ थे मैंने डाले यहाँ पे, ये अलग अलग कंट्रीज़ के हैं सारे,
ये गाड़ियां हैं यहाँ पे, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह की थी जो, ये पार्किंग स्लॉट देखना था। ये मैंने कुछ थोड़े थोड़े करके डाले हैं शॉर्ट्स में, आपको अच्छे लगेंगे शायद। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी चीज़ें दिखाने को मिले, तो आई होप आपको अच्छा लगे सब और हमारी मेहनत सफल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। ये थर्ड टाइम लाइट वो हो गया, ये हमारा शायद जर्मनी का रहेगा, जर्मनी का आपको मैंने पूरा दिखाया भी था। तो फेयर वगैरह जर्मनी में साल में दो बार लगते हैं, बहुत बढ़िया, एक नंबर की चीज़ें हैं ये। आप देखिए स्विट्ज़रलैंड का है शायद स्टार्टअप, कैसे लोग मज़े करते हैं स्टेडियम और यहाँ की नाइट लाइफ, शायद ही USA है शायद ये, तो यहाँ की नाइट लाइफ बड़ी ख़तरनाक होती है, 24 घंटे चलता रहता है यहाँ पे सिस्टम। बहुत बढ़िया हाई राइज बिल्डिंग, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एनर्जी बहुत बढ़िया शानदार। एक एक चीज़ आपको बारीकी से अगर देखने लगो तो आपको पता लगेगा। और यहाँ का जो पोर्ट एरिया है ये वो, इसके ऊपर देखिए आप ऊपर से जो रेलवे ब्रिज बनाया हुआ है, बहुत शानदार लग रहा है। ये नेवल शिप है और इसके जस्ट पीछे आप देखिए जो क्रूज़, जो सबका सपना होता है क्रूज़ में घूमने का, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ से निकलते हैं, ये अपना स्विट्ज़रलैंड स्टार्ट हो गया, तो ये स्नो टाइम है। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा ढका हुआ है और फिर भी सब कुछ चल रहा है अपने यहाँ, वैसे हैबिचुअल हो जाता है बंदा तो सही है। ये देखिए ब्रेड खा खा के ब्रेड हो गए, इससे ज़्यादा कि पूरे ब्रेड हो जाए तो रोटी पानी खाना शुरू कर देना। आज मेरी शाम की फ़्लाइट है तो थोड़ा जल्दी जल्दी में थोड़ा सा रह गया पार्ट उसका, फिर कभी देखेंगे। अभी तो शाम की फ़्लाइट है तो पैकिंग वुकिंग भी करनी है और कहीं का अब आपको दूसरी कंट्री के ब्लॉग भी दिखाएंगे। ये कुछ पल एम्बर के पकड़ने के लिए आए हैं, मेट्रो लेंगे यहाँ से तो उसके बाद अपना पैकिंग करनी, देखते कौन सी कंट्री फिर वेट कर रही है उसमें जाएंगे। तो अभी एक्सपीरियंस दूसरा सोच रहा हूँ, टिकट तो मेरी फ़्लाइट की बुक है बट मैं सोच रहा हूँ कहीं बस से देखूँ ट्राई करके, फिक्स बस कुछ है यहाँ पे। जैसे होगा आपको अपडेट करते रहेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।